मैं सुजीत कुमार सिंह, एडवांस सेक्शन ट्रेनिंग सेंटर आईपीटी एक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम सीखते हैं कंप्लीट एमआईएस रिपोर्ट ऑटोमेशन। तो दोस्तों, आज हम डैशबोर्ड की इस क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं छोटा सा एग्जाम्पल। जब आप कोई डैशबोर्ड बनाते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए। तो देखिए, डैशबोर्ड में एक बहुत ही अभी तक पॉपुलर चल रहा है ब्लॉक चार्ट, इसको बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर 10% करूँगा तो मेरे पास उसी हिसाब से ब्लॉक्स हाईलाइट होंगे, 15 करूँगा तो उतनी होगा, 21 करूँगा तो उसी हिसाब से होगा, 22 करूँगा तो उसी हिसाब से चलेगा। तो आखिर ये ब्लॉक्स बनेंगे कैसे, चलिए इसी पे आज हम आपकी अपनी क्लास को करते हैं। लेकिन क्लास करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस जनवरी 2019 को ख़त्म होते ही, अभी नवंबर चल रहा है, और मैं अपने YouTube चैनल पे 5000 वीडियोज डालने का लक्ष्य रखा हूँ। जी हाँ, 5000 वीडियो, 5000 नए टॉपिक्स आपको सीखने को मिलेंगे। तो इसको जरूर आप देखें, और इसको मिस ना करने के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जा मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, माफ कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे 10x10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और सबकी साइज जो है 2.77 है, और रो की हाइट क्या है 17 पिक्सल 29 पिक्सल्स या 45 पिक्सल। चलिए ठीक है, हो गया। मैं थोड़ा सा बीच में ले आता हूँ। उसके बाद यहाँ पे 5 है, नीचे भी 10 होना चाहिए, 10x10 हमने बोला, 15 तक हम लेते हैं। और फिर इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट में जाके मैं इसको बॉर्डर लगा देता हूँ ताकि पता चले कहाँ पे किया हुआ है। अब मुझे यहाँ नंबर जो है, आपको अगर ऊपर से नीचे की तरफ लाना है तो ठीक है, लेकिन मैं नीचे से ऊपर, क्योंकि अपने क्लासेस में मैं नीचे से ऊपर ले गया हूँ, तो नीचे से ऊपर ले जाने के लिए हम 1 से लेके 100 तक यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे 1% हमने कर दिया, और हमने बोला +1%, और इसको हम यहाँ कॉपी करके इसको यहाँ तक ले जाते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं और बोलते हैं कि जो नीचे वाला है ये हमारा 1% होगा, और फिर इसमें हम +1 करते हैं, कॉपी, और इसको पूरे को कॉपी करके फिर हम अपने इस पूरे एरिया में पेस्ट कर देते हैं। अब इसकी साइज को थोड़ा कम कर देते हैं ताकि आप देखेंगे कैसे आखिर हुआ क्या। 8 पे भी एक डेसिमल ज्यादा है, क्या हो गया 2%, 10, 11, हमने यहाँ पे 1 कर दिया है, हमें यहाँ पे 1% करना चाहिए था, छोटी सी गलती हो गई यहाँ पे, मैं गलती सुधार देता हूँ और इस पूरे को कॉपी कर यहाँ सिस्टम में 1 = 100% होता है। तो अब 110%, दस है और ये कितना है 11,
हमें एक नहीं चाहिए, हम ज्यादा एक ले लिया, 10 बाई 10 ही होना चाहिए। अब इसके ऊपर हम जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे, न्यू रूल्स में जाएंगे, फॉर्मेट सेल्स, और यहां पे हम लेंगे लेस देन इक्वल टू, और जो नंबर डालना चाहते हो, मैं नंबर डालना चाहता हूँ मान लीजिए B1 में, या आप यहाँ पे डालना चाहता हूँ C, यहाँ पे C5 में, 4 में, और हम फॉर्मेट जो कलर लगाना चाहते हैं हम फिल में हम वो कलर लगा देते हैं। फॉन्ट भी याद रखिएगा, हम इसकी बैक फोर कलर को व्हाइट कर देते ताकि ये नंबर दिखे ना, व्हाइट नहीं सेम कलर जो ग्रीन है हमारा, ग्रीन कलर, और बॉर्डर यहाँ फॉन्ट इसमें हम ग्रीन कलर लेते हैं, हाँ, और बॉर्डर हम व्हाइट कर देते हैं बॉर्डर। और ये हमारा हो गया और यहाँ पे हम इसकी जो फॉन्ट कलर व्हाइट कर देते हैं ताकि दिखे नहीं क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर। अब मैं C4 में आता हूँ और यहाँ पे मैं 20%, यहाँ पे इसको परसेंटेज सिंबल में डाल देता हूँ, 20% करता हूँ तो आ गया 25, 35, 85, 100%, 95%, 97%। तो इस तरह से हमने इसका इस्तेमाल किया, और यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, लेस देन इक्वल, सही है। इस तरह से बिल्डिंग ब्लॉक्स आपके बनने लगेंगे। तो डैशबोर्ड में इसी छोटे छोटे चीज को लगा के हम एक अट्रैक्टिव एंड एक पावरफुल डैशबोर्ड बनाते हैं। इस डैशबोर्ड की इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ों पे, तो मेरे साथ इसी तरह से बने रहे, मैं आपको इस तरह छोटे छोटे चीज़ बनाऊंगा ताकि आप डैशबोर्ड भी इसको आसानी से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अगर आप मेरे साथ लाइव डैशबोर्ड की क्लास लेना चाहते हैं या फिर किसी भी एडवांस सेक्शन के किसी भी फीचर्स को क्लास लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके लिए आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाए, डेमो क्लासेस का फॉर्म भरे, 2-3 क्लासेस लेके देखें, अगर आपको लगता है कि सुटेबल है आपके लिए तो आप हमारी ज्वाइनिंग प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। आप क्लास करें ना करें, मेरा नंबर जरूर नोट कर लें, कभी भी आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आई तो मुझे कॉल कीजिएगा, मैं अपना फोन आपके लिए हमेशा ऑन रखूंगा।